अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ सईदा शमसा शाह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। तो अभी जी आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से और कमेंट भी कर दें। आज है जी 21 दिसंबर। व्लॉग बहुत लेट आ रहा है लेकिन मैं आपको साथ डेट बता देती हूँ। और आज 12 बजे मेरी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 22 दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम जो है यहाँ हमबर्ग आए हैं। मैंने आपके अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मुझे हमबर्ग सिटी बहुत पसंद है और मैं बहुत बार यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रहना पसंद है। मैं हमेशा इनको जब आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम यहाँ रुक जाते हैं, हम यहाँ यहाँ अपना बिज़नेस कर लेते हैं और ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे घर ढूंढ लेते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है, ज़ाहिर उनका अपना बिज़नेस है वहाँ पे, तो वो यहाँ नहीं आते। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सईदा शमसा शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज है मेरी बर्थडे और आज हम मना रहे हैं बर्थडे व्लॉग। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और साथ ही जो है ना बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और हम बर्थडे कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमबर्ग आए हुए हैं और आज 12 बज चुके हैं और मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई है। तो अभी आपको सबसे पहले केक दिखाती हूँ। ये है मेरा केक, ये है जी केक लोटस वाला। और हाय, ये आ रही है जी बड़ी ही खतरनाक घड़ी। मैं तो दीवान की हो गया। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं। एंड अभी हम जो है केक कट कर लेंगे। एंड विश मी हैप्पी बर्थडे। और अमार को भी बड़ी जल्दी हो रही है कि उसको भी केक खाना है और मुझे भी जल्दी हो रही थी कि मैं भी केक खाऊं। मैंने इसको कहा थोड़ा सब्र करो, अभी हम खाते हैं केक, पहले मम्मा को सेलिब्रेट तो करने दो। अच्छा, जितनी भी औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, चाहे वो 50 साल की भी हो जाए या 60 की भी, उनको बड़ा ही शौक होता है कि हमारी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, हमें अच्छे प्रेजेंट्स मिलें, गिफ्ट मिलें और कुछ सरप्राइजेस हों। तो सबका ही ऐसा होता है, मर्द जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं इस चीज़ में, औरतें, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सरप्राइजिंग देना लेना सब बहुत पसंद करती हूँ। और आज की जो बर्थडे थी ये भी थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी। हैर उन्होंने मुझे पहले बता दिया था लेकिन मुझे इनका आइडिया बहुत पसंद आया कि मुझे हमबर्ग पसंद है तो हम हमबर्ग चलते हैं। तो चलें, अब केक कट कर लिया हमने और केक बहुत मज़े का था। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिखते हैं और अच्छी दुआएं लिख दें। तो जो हेटर्स हैं वो कुछ भी ना लिखें और बेशक लाइक भी ना करें। तो अभी जो है हम केक खा लेंगे और बाकी सुबह का जो कल का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे एंड फिर उसके बाद सिटी जाऊँगी, क्योंकि जब भी हमबर्ग सिटी आती हूँ तो बहुत घूमती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम खाना खा, तो जी केक हमने कट कर लिया है और अमार जो है ना, ये देखिए जरा अमार, वो ये क्या है, अमार ने खा लिया सही तरह। अमार दस इज ज्यादा गुड, तू हस गुड कमार। हेलो, कहो हेलो मर्ज़ा, हेलो अमार। नाइन दस आप सुनिश, नाइन दस आप सुनिश, ओके दस ताप सुनिश नो कुकन ऐसा। और इसको निकाल दे, मुझे तो इसको देख देख के ना गुस्सा आ रहा है कि इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, मुझे तो देख देख के गुस्सा आ रहा है। तो इसके बाद अब हम जो है ना, कल हम रात को इधर आ गए थे ना, तो नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ा सा सिटी घूमेंगे, क्योंकि मैं जब भी हमबर्ग आती हूँ तो फिर मैं यहाँ से बहुत सी चीज़ें लेती हूँ, ड्राई फ्रूट स्पेशली। तो फिर उसके बाद जो है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, गला ख़राब है, खांसी है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, अगर मैं बोलूँगी ना तो फिर खांसी शुरू हो जाएगी मेरी। और साथ में आपको होटल रूम भी दिखा देती हूँ, ये देखें है वो। तो अभी हम आए हैं तो वो जो है ना काफ़ी गंदा कर दिया हमने,
तो इनकी ये दिखाती हूँ, ये ऐसे जो है ना मिरर बना हुआ है, और ये वॉशरूम है जो मुझे बहुत पसंद आई है, साफ है। और जो है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पड़े हुए हैं रिचुअल्स, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ही पसंद है ये बेसिकली। और होटल रूम मुझे बहुत पसंद आया है, और अभी केक भी बहुत मज़े का हमें यहाँ से हमने बनवाया था हैमबर्ग से ही, और यहाँ से हमने लिया था। और अभी हम नाश्ते का मैं बताऊँगी कि नाश्ता कैसा था यहाँ का, और जब करूँगी तो उसके बाद जो है खाना भी हम यहाँ से खाएंगे। और खाना आई थिंक हम जो है पिछली दफ़ा जहाँ से खाया था वहाँ से ही खाएँगे। और चलिए अब आपको जो है नाश्ते में मिलेंगे। हम देखते हैं कि बाहर यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा अमार थक गए आप, और अमार जो है ना अब सोने लगे हैं। वो केक का क्या हाल किया आपने, और अब गुड नाइट हो रही है, ठीक है? ऐसे क्यों आई आपको, और यहाँ पे आपका बेड भी आया इस दफा लगा के दिया। ओ सॉरी सॉरी, हमारी दूध पी रहा है। अब हम आपको सुबह जो है ब्रेकफास्ट मिलेंगे। एंड गुड मॉर्निंग हैमबर्ग, हम आ गए हैं नाश्ते के लिए। और इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे जब भी मैं होटलिंग करती हूँ तो नाश्ते के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, शावर लेना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। घर में तो हम सोते ही रहते हैं ना, तो यहाँ पे जल्दी उठ के तो फिर आपको आना है। और जो जर्मन लोग होते हैं वो तो बड़ी जल्दी उठते हैं और बड़े ही मज़े का वो आराम आराम से नाश्ता करते हैं, उनको देख के मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे है जी नाश्ता, और हमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कौन सी चीज़ हमारी है, खाने वाली हलाल है, और क्या हम खा सकते हैं क्या नहीं। यहाँ पे तो इनका भी खाना होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन ये है कि हम खाते नहीं हैं, जाहिर सी बात है। और ये है जी रू आए, जिसको कहते हैं आई थिंक स्क्रम्बल एग, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर दूँ तो। तो ये रू आए है, और इसके साथ उन्होंने डेको के लिए भी रखा हुआ है कि ऊपर आप ये डाल लें। और इसको मैंने ले लिया है, और इसके बाद मैं देख रही हूँ कि क्या मिलेगा। ये बीन्स थे और साथ ही बेकन थे, तो मैंने कहा कि साथ पड़े हुए तो मैं ये बीन्स भी नहीं लेती, वैसे इंग्लिश खाना होता है बीन्स खाना। और यहाँ पे हैं जी इनका कुछ है किबाब शिबाब, वो है मैं नाश्ते में कौन खाता है, वैसे मैं तो नहीं खाती, तो इसको मैं क्लोज ही कर देती हूँ। तो इसके आगे जो है आई थिंक पड़ा हुआ है, पड़े हुए एग पड़े हुए हैं, बॉयल्ड एग हैं ये, और साथ ही अदरक वाली चाय थी, फ्रेश अदरक। तो मैंने कहा ये मैं लास्ट में पीऊँगी क्योंकि मेरा गला भी ख़राब था, और जो है ना अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो मैंने कहा मैं लास्ट में ये पी लूँगी। इससे पहले मैं होप जो है ना अच्छे से नाश्ता करूँ और आपको भी साथ दिखा दूँ। पे कुछ फ़िश आइटम्स थे, और फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूस, तो साथ ही यहाँ पे स्नो फॉलिंग भी हो रही है, इससे पहले बहुत बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से फ्लड भी आया हुआ था हमें यहाँ की पता चला, तो हम उस साइड पे नहीं जा रहे थे, वरना मैं उस साइड पे भी जाती जहाँ पे वो पानी है, झील बनी हुई है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, तो इसलिए हम जो है दूसरे साइड पे, और भी बड़े काफ़ी बाज़ार हैं यहाँ पे बड़े बड़े, तो मैं उस साइड पे चली जाऊंगी और थोड़ी सी जो है ना वहाँ से शॉपिंग भी करूँगी, उसके बाद जो है हम खाना खाएंगे एंड फिर हम घर चले जाएंगे। और ये हो जाएगी मेरी आज की बर्थडे और आज का व्लॉग भी। तो यहाँ जी हम नाश्ता कर लेते हैं, अभी हमने नाश्ता कर लिया है, और मुझे यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद आया है। और इसके बाद जो है हम जा रहे हैं बाहर, और ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, होटलिंग करते हैं, जो लोग यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हैमबर्ग में आपको कहाँ
रहने की जगह मिल सकती है, होटल वगैरह अच्छा, और खाना जैसे कि हम जो है अभी उसी रेस्टोरेंट आए हैं जो मेरे पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने, लॉकमान, जो मेरी कोलीग ने मुझे बताया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम दोबारा यहाँ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत मज़े का और प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन आई थिंक वो अभी हर जगह ही जो है ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, ग्रोसरी करेंगे, इस पे तो एक अलग बात बनती है, पूरा व्लॉग बनता है कि जो महंगाई हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो इस पे पूरा एक व्लॉग बनता है। चलें अभी तो हम इंजॉय करते हैं, इस व्लॉग को बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे जी हमारा खाना आ गया, और इससे पहले मैंने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की थी, मैंने नट्स वगैरह लिए क्योंकि मैं जब भी हैमबर्ग आती हूँ तो मैं नट्स लेती हूँ यहाँ से। और अमार जो है उसके कोकोमेलन हर जगह उसके साथ होते हैं, तो वो देख रहा था और हम जो है खाना इंजॉय कर रहे हैं। और खाना इनका हमेशा की तरह बहुत मज़े का होता है, लॉकमान ये रेस्टोरेंट है, टर्किश रेस्टोरेंट है, और अगर आप जर्मनी आते हैं तो आप यहाँ ही आएँ। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे व्लॉग्स पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मुझे, मुझसे इसके अलावा कुछ पूछना हो। जैसे कि एक मुझे कमेंट आया था कि इमाम बारगा यहाँ पे हैमबर्ग में कहाँ है, तो आप कुछ बता सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये इमाम बारगा, मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ हैमबर्ग सिटी में, तो इसलिए मुझे इसका पता नहीं है, तो मैं हैनोवर सिटी रहती हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तानी इमाम बारगा तो नहीं है, लेकिन मैं जो पर्जिश लोग हैं अफगानी हैं और पर्जिश मिक्स हैं आई थिंक, तो उनकी इमाम बारगा मैं जाती हूँ, और जो पाकिस्तानी इमाम बारगाह है वो हमें फ्रैंकफर्ट में मिलेगी। फ्रैंकफर्ट बहुत बड़ा सिटी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं फ्रैंकफर्ट जाऊंगी और आपको ज़रूर वो सिटी दिखाऊंगी। तो बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।